फिर बड़ा गाड़ी फिर दुबई गया। अच्छा अच्छा की अंकल, मैंने दुबई में चलाया वोल्वो। वोल्वो भी चला रखा है दुबई में 2 साल। अच्छा, वो जैसे 8 किलोमीटर चलता था दुबई सौ। अच्छा, कर भी लिया 2 साल में, फिर 20 महीने हो गए। तो किस्त क्या आई थी अंकल? गाड़ी को फिक्स लगा के भी चला सकते हैं? चला सकते हैं, करती है ना, ईसाई में सेम में सकती है ना। अच्छा, चलती है करती नहीं। तो आ टाइम आता है उस टाइम में उसको निकाल देते हैं? निकाल देते हैं, खर्चे वो नई चीज कर दिया, फिर वो कितना पैसा हो जाता है, 1.5 लाख बच जाता है उसके। अच्छा अच्छा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अशोक लेलैंड का ट्रक। ये कंटेनर बॉडी ट्रक है जो कि आप देख सकते हो, ये 10 चक्का ट्रक है। ये डीजल टैंक वगैरह 2, 4, 1, 5। अभी इसमें कुछ दिक्कत हो गई है तो अंकल इसको सही करने के लग रहे हैं। अंकल क्या दिक्कत हो गई इसके अंदर? थोड़ी। अच्छा, वैसे ही आप चेकअप कर रहे हो इसका। चलो ठीक है, मैं ट्रक दिखा देता हूँ आपका, फिर बात करूँगा आपका। पीछे से खुला ही है, दिखा सकता हूँ पीछे से? तो चलिए दिखाता हूँ आपको ट्रक। वैसे तो काफ़ी पुराना है ट्रक तो, बाकी फिर भी ये देखिए टूल बॉक्स वगैरह। और कंटेनर ट्रक दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा आता है अंदर से। आज पहली बार हमारी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ऐसा ट्रक। ट्रक काफ़ी पुराना है पर अंकल की जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए पूरा ट्रक। चलिए बात कर लेते हैं अंकल से। ये जैसा कि अभी वाला ट्रक नहीं है तो उस हिसाब से इसका बड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक का डीजल टैंक दिया गया है। और मॉडल वगैरह भी अंकल से पूछेंगे। अभी यहाँ पे इसकी बेजिंग नहीं दी गई कौन सा ट्रक है, बाकी है थोड़ा पुराना, अपने राजस्थान का ही ट्रक है। तो चलिए, ये हमारे अंकल है। अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, तो आप कब से हो ट्रक लाइन में? 89 से हो, तो काफ़ी पहले छोटा गाड़ी चलाया फिर बड़ा गाड़ी फिर दुबई गया। अच्छा अच्छा, तो आप जैसे 89 से इस लाइन में हो, तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी चलाई थी आपने? महिंद्रा की। अच्छा, छोटा गाड़ी से शुरुआत करके। तो ये ट्रक आपका अभी खुद का ही है? खुद का। तो आप जैसे शुरू में तो ड्राइवरी में ही गए होंगे, फिर मोटर मालिक कब बने थे आप? अभी दो साल से ही। इतने दिन ड्राइवरी कर रहे थे, तो क्या सैलरी थी आपकी उस टाइम? पहले 15,000 था, 16 किया। अच्छा, फिर 20 किया। 20 किया। तो जैसे आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ चला रखी है अंकल? मैंने दुबई में चलाया वोल्वो। वोल्वो भी चला रखा है दुबई में 2 साल। अच्छा, वो जैसे 8 किलोमीटर चलता था दुबई सौ। थोड़ा जोर से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कौन कौन सी गाड़ियाँ चला रखी है आप? वोल्वो चलाया। अच्छा, दुबई में? दुबई में। हाँ, दुबई से बहरीन, कतर, कुवैत। अच्छा, सभी स्टेट में गया। सभी स्टेट में जा रखे हो? 2 साल चलाया गया। तो उधर क्या सैलरी थी आपकी? मेरा 50,000। 50,000 महीने का हो जाता था। तो उधर के ट्रक ड्राइविंग में इधर में तो काफ़ी फर्क होगा। लेफ्ट राइट। अच्छा, लेफ्ट राइट है, इधर लेफ्ट स्टेयरिंग है। हाँ, स्टेयरिंग का। दूसरी बात, उधर तो कम चलाना पड़ता होगा ट्रक भी? नहीं, वो बराबर है, मर्जी और देना चाहो 8 घंटा उसमें 8 घंटा रहता। अपने इधर तो जैसे चलाना ही पड़ता है कोई, क्योंकि कोई इज्जत नहीं होती है इधर। तो फिर आप उधर से इधर शिफ्ट कैसे हो गए? ऐसे फिर बीमार हो गए। अच्छा, बीमार हो गए थे। तो उसके बाद जैसे आप दुबई कब गए थे? 2008 में चले गए थे आप। फिर वहाँ पे कितने साल जॉब किया आपने? 2 साल। 2 साल फिर उसके आप बीमार हो गए तो इधर आना पड़ा। तो अंकल, ये आपने ट्रक लिया है जो सेकंड हैंड लिया है, नए की तरफ नहीं गए? ना। क्यों अंकल? वो इतना पैसा नहीं है, बहुत खर्चा उसका। बहुत खर्चा है नए का, फिर किस्त वगैरह? एक एक 1.5 लाख की तो किस्त आ जाती है आजकल। 70,000 की। 65-70,000 की। तो ये ट्रक कितने का परचेज़ किया आपने? 12 लाख का। 12 लाख का। कौन सा मॉडल है अंकल ये? मॉडल। और इसकी जो बेजिंग आती है वो कौन सी है? जैसे 10 चक्का में नंबर आता है ना, वो कौन सा है इसका? 10-11 टायर। नहीं, टायर नहीं, जैसे मॉडल नंबर आता है ना ट्रक का, वो कौन सा है? 2014 है ना। अच्छा अच्छा, चलो आप कोई बात नहीं, जो यहाँ पे लिखा हुआ आता है ना। अच्छा, जैसे 2516। अच्छा, 2516। अच्छा, 2516, हाँ वही मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, तो अब जैसे 2 साल से आपका मन बना ट्रक लेने का, तो आपने जैसे पुराने ट्रक में किसी भी ड्राइवर को अगर वो लेना चाहे तो क्या क्या देखना चाहिए अंकल? पूरा इंजन वगैरह, बॉडी वगैरह, टायर वगैरह। तो इंजन का मालूम चल जाता है अंकल? मिस्त्री को दिखाऊंगा अगर कुछ मालूम।
अच्छा, मिस्त्री वगैरह को दिखा के आप ले सकते हो। तो इसका डीजल टैंक वगैरह कितने लीटर का है अंकल? हमारे 600 लीटर। 600 लीटर का है पूरा? तो ये 600 किलो कितना एवरेज वगैरह क्या निकाल देते हैं? खाली में 5 का देती है लोडिंग, 7.5 का आराम से, 4.5 का। अच्छा, लोडिंग में 4.5 का, वैसे खाली में 5 का निकाल। तो आप कहाँ से कहाँ चलते हैं अंकल? बीकानेर से आसाम तक। अच्छा, कलकत्ता से आसाम तक? बीकानेर से। अच्छा, बीकानेर से आसाम तक। बीकाजी लेके जाते हैं। अच्छा, बीकाजी नमकीन। तो कितना किलोमीटर का सफ़र होता है? 3000 किलोमीटर जाना, 3 आना, 6000 किलोमीटर का हो जाता है। तो ये सफ़र कितने दिन का होता है अंकल आपका? 5-15 दिन का अप डाउन। 15 दिन का अप डाउन। तो जैसे क्या भाड़ा लगता है अंकल? उधर से 37 है, उधर से 70,000। 70,000 इधर से और इधर से 37। 30,000। 1,37,000। अच्छा, इधर से 1,37,000 और उधर से आते हो 70,000। उधर से 70,000, कभी 70 कभी 66,000। तो उधर से कम क्यों मिलता है अंकल? उधर से आते है कम। अच्छा, एक तरफ से किधर से भी देखो कम, किधर कलकत्ता जाओ किधर जाओ कम लगता है। कम लगता ही है। तो उसमें अपना डीजल वगैरह खर्चा वर्चा क्या आ जाता है अंकल? आने जाने में? हाँ, आने जाने में 60-25 हज़ार, 21 और 25 1,45,000, 1,50,000 के। अच्छा, तो इससे जैसे 15 दिन के आप ट्रिप लगाते हो तो इसके अंदर आपकी बचत क्या निकल के आती है? 50,000। तो जैसे आपने 12 लाख में लिया, ये फुल केस में लिया है या किस्तों में? किस्तों में लिया। किस्तों में लिया, अभी घर का कर लिया। अच्छा, कर भी लिया 2 साल में? 20 महीने में कर लिया। तो किस्त क्या आई थी अंकल आपकी? किस्त क्या आई थी इसकी? 32,200। 32,200। तो आपने जैसे 12 लाख में, तो जिसने बेचा उससे खरीदा, हाँ। तो फिर आपने बैंक को कितना जमा किया? बैंक को 9 लाख। 9 लाख रुपये और ज़्यादा? तो जैसे 19 लाख का पड़ गया। नहीं, 3 लाख उसको दिया। अच्छा, और 9 लाख बैंक को पड़ गया। अच्छा, 9 लाख थी गाड़ी। हाँ हाँ, तो ब्याज भी लगा होगा फिर? हमारा ब्याज उसी के लगा। अच्छा, उसी के लगा, आपके नहीं लगता है ब्याज? अच्छा अच्छा। और अंकल जैसे टाटा, आइशर, अशोक लीलैंड सब गाड़ियाँ चला रखी है आपने? हाँ, लीलैंड भी, टाटा भी चलाया, सब चला रखा है। महिंद्रा तो आपने चला ही रखा है। तो जैसे आप सबसे नंबर वन गाड़ी किसको बताना चाहोगे? टाटा। टाटा, तो फिर जैसे टाटा नंबर वन है तो फिर आपने इसको क्यों चुना? वो महंगा पड़ता है, मिला भी नहीं। अच्छा, मिला भी नहीं, महंगा भी पड़ता है। अच्छा, तो जैसे अंकल इसके टायर है, ये 10 टायर ट्रक है आपका, तो कितना साल चल जाते हैं इसके टायर? कितने टायर? नए टायर लेंगे 2 साल चलता है। 2 साल चल जाता है। अच्छा, जे डील का 12 महीना। तो अंकल जैसे इसका कंटेनर बॉडी है और ट्रक बॉडी में, वो जो ओपन बॉडी आती है उसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें माल का फर्क रहता है ना, माल बेचता नहीं है, तिरपाल नहीं लगाना पड़ता है। तिरपाल देती है, चोरी वगैरह कोई डर नहीं। अच्छा अच्छा, तो इसमें भाड़ा भी ज़्यादा मिलता होगा? 5-7 हज़ार का 5-7-10 हज़ार का फर्क है। तो आप 15 दिन जैसे महीने में 2 ही ट्रिप लगा पाते होंगे? 2-1.5-2। तो फिर मतलब महीने के 1,00,000 रुपये तो बच ही जाते होंगे? 90,000 रुपये के आसपास खर्चा वर्चा हो। तो आप अकेले ही चलते हो? आज के टाइम में अंकल जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी ड्राइवर अकेले ही चलने लगे। आज भी मिलता नहीं है ना, जैसे 10 चक्का से लेके 22 चक्का तक भी अकेले ही चला रहे हैं। ऐसा क्या रीज़न हो गया अब? ये आदमी नहीं मिलते ना, आदमी नहीं मिलते, आदमी नहीं मिलते, पैसा ज़्यादा मांगता है मालिक, इतना देता नहीं है। तो आप अभी ट्रांसपोर्ट से चलाते हो या खुद की? आप ट्रांसपोर्ट से लोड करते हैं। ट्रांसपोर्ट से लोड करते हो, तो उनको भी कमीशन देना पड़ता है? कोई 1,000 लेता है, कोई 2,000 लेता है। तो जैसे अभी आपका 70,000 का भाड़ा बना तो उस पर 1,000-2,000 रुपये देना ही पड़ेगा आपको? वो काट के बसता है हमारे यहाँ। अच्छा, काट के बसता है। तो अंकल जैसे अपन खुद अपनी इच्छा से लोड नहीं कर सकते? नहीं। जैसे बिना ट्रांसपोर्ट के कंपनी वाले लोड नहीं करेंगे? बुकिंग रहता है ना कंपनी, बुकिंग रहता है, टेंडर रहता है। तो अंकल एक बात बताओ, आज के टाइम में गाड़ी को फिक्स लगा के भी चला सकते हैं? चला सकते हैं, उसके ना पीछे में ऐसे में सकती है ना। अच्छा, चलती है पट्टी में। तो आप फिक्स नहीं लगा रखे? हमने पैसे वाले लगा रखे। अच्छा, पैसे वाले। और गाड़ियाँ भी ज़्यादा चाहिए होती है गाड़ी? तो उधर सिंगल भी चलती है, लेकिन मैंने 2 महीने से पेमेंट कर दी है। अच्छा, इसका हम तो लोड किया, पैसे डाल दिया, शाम हम चला जाएंगे, चला जाएंगे। तो अंकल जैसे आप यहाँ से लोड करोगे तो यहीं पर पूरा भाड़ा मिल जाता है या उधर जाके मिलता है जहाँ छोड़ते हो माल? मतलब 10,000 रखते हैं, बाकी पूरा भाड़ा मिल जाएगा। अच्छा, 10,000 रखते हैं, फिर 10,000 आगे मिलता है आपको? नहीं, वापस पहुँच जाएगा खाली करने के बाद में। ओके, खाली। हाँ हाँ, माल नहीं, कोई कमी नहीं मिल जाएगी। अच्छा, फिर मिल जाता है। तो इसमें आपके माल जैसे लोडिंग अनलोडिंग करवाते हो आप, तो इसमें कभी कोई दिक्कत होती है? नहीं, हमारी कोई दिक्कत नहीं। और 2 साल में ये ट्रक आप चला रहे हो, तो ये कितना चला हुआ लिया था आपने? ये तो होगा
देख लो 6 साल पुराना है। अच्छा 6 साल ही पुराना ही है और 2 साल आपको लिए हो गए। तो अंकल अपने राजस्थान में जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि अपन एक नया ट्रक लेंगे, मान लो 5 साल उसकी किस्त आ रही है, 5 साल अपन उसको चला के फिर वापस भेज देते हैं और फिर नया निकलवा लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं अंकल? वैसे मैं जो जैसे अभी 40 लाख का लिया, हाँ मान लो, हाँ तो लास्ट में 20-25 लाख का बचेगा बचेगा तो उसका खर्चा कम आता है ना। अच्छा नहीं, जैसे वो बात सही है आपकी, पर एक तो महीने की किस्त जा रही है तो आदमी बंधा हुआ रह गया, कुछ बचत नहीं आएगी। अब जैसे 5 साल बाद ट्रक फ्री होता है, हाँ। तो जब बचत करने का टाइम आता है उस टाइम में उसको निकाल देते हैं, निकाल देते हैं खर्चे और नई किस्त कर लिया, फिर वो कितना पैसा हो जाता है 15 लाख बच जाता है उसके। अच्छा अच्छा, तो फिर वो उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। चलो सही बात। तो अंकल आप ट्रक लाइन में आए थे तो किस हिसाब से आ गए थे आप, मतलब कोई मजबूरी में या वैसे आ गए थे? बच्चे से ही, बचपन से ही शौक था। अच्छा। अभी तो सीखना नहीं चाहता गाड़ी, नहीं सीखना चाहता बहुत कम था। पर टाइम इस टाइम गाड़ियाँ तो काफ़ी बिक रही है अभी के टाइम पे। बिक रही कोई धंधा कम है ना? अच्छा धंधा बहुत कम है, फिर इज्जत भी नहीं है मेन बात, फिर भाड़ा भी नहीं मिलता है। अभी पहले था 80,000 था, 10,000 घट रहा है, घटा रहे बढ़ रहे मेरे टूर ज़्यादा हो रहे हैं, सब कुछ महंगाई हो रहा है। हाँ अंकल, जैसे आप 3,000 और 3,000-6,000 किलोमीटर का सफ़र करते हो तो उसमें आपका टोल क्या लग जाता है? अप डाउन का, अप डाउन का 25,000 रुपये, फिर RTO वगैरह? RTO किधर छोड़ लेता है, किधर 200 लेता है, किधर 500 लेता है, तो उनका भी हो ही जाता है। तो खाना वगैरह आप इसी में बनाते हो या बाहर खाते हो? बना लेते हो। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? झुंझुनू जिला। अच्छा झुंझुनू के। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे अंकल थे, काफ़ी नॉलेज इन। और अंकल जैसे अपन किसी कंपनी में अटैच करेंगे तो उसमें सही रहता है या आप जैसे अभी खुद चला रहे हो उसमें सही है? वैसे कंपनी में ऐसा है, महीने दो महीने का फिक्स 7 रुपये मिल जाता है। अच्छा, वो पैसा वाला डीजल है 5 ही डलाता है, वो सिंगल दो सिंगल गाड़ी वाले ने उसके पास पैसा रहता नहीं है। वैसे ऐसे बाहर चलाता फ़ायदा है, बाहर से चलाने में फ़ायदा है क्योंकि उधर पेमेंट नहीं आ पाता। अब जैसे जिनके पास 2-3 गाड़ियाँ है, पैसा है, वो तो चला सकते हैं क्योंकि उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो सिंगर मोटर मालिक है वो तो नहीं चला पाएगा। तो अंकल आपकी एज कितनी हो गई? मेरे 48। 48 है और अभी भी आप मस्त ट्रक चला रहे हो? अकेले चलता हूँ, 3,000 किलोमीटर जाता हूँ, 3 आता हूँ अकेले चलाते हो, 15 दिन आराम से? आराम से, डबल ड्राइवर बिठाओ मेरे साथ जैसे उठते नहीं। अच्छा, डबल ड्राइवर को भी आप पीछे छोड़ दोगे? सलाम है अंकल आपके, तो सही कर रहे हो मान लो। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आप खुद ही कर लेते हैं। तो आज के टाइम में जैसे नया आदमी है उसको मालूम नहीं क्या ड्राइवरी रहेगी। अच्छा, माने उसको ये नहीं मालूम कौन सा नंबर किसके बुक पर लगता है। अच्छा, तो आप इतने सालों से चला रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया अंकल। तो जैसे एक बात बताओ, आज के टाइम पे किसी को ट्रक लाइन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और जैसे आपकी शादी वादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो उनको पढ़ा रहे हो आप? पढ़ रहे, उनको लाओगे इस लाइन में? ना ना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लाना चाहोगे क्योंकि जैसे आप वहाँ पे काम में नहीं ना सकते, खाना सका सकते, सर नहीं सो सकते, अभी मेरा काम है घर पे नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा, गाड़ी छोड़ी है कि जरा शाम है, घर में काम हो गया नहीं जा सकता। तो फिर आप घर कितने दिनों में जाते हो? 15 दिन से चले जाते हैं, से भरेगा घर जाएगा, घर से सीधा। अच्छा, फिर घर से सीधा निकल जाते हो आप? अच्छा, तो अंकल बच्चे आपके क्या नाम है? बच्चों को तो आप इस लाइन में लाओगे नहीं, बिल्कुल उनको तो पढ़ाई करा रहे हो आप। चलो ठीक है अंकल, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता हूँ आपसे। अंकल एक फ़ोटो भी खिंचवा लो और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे आप वहाँ चलाते थे ट्रक, कहाँ चलाते थे आप? दुबई। दुबई में चलाते थे, सॉरी मैं भूल गया था आपको पूछना। तो वहाँ पे और अपने यहाँ पे ड्राइवरी में क्या फ़र्क है अंकल? बहुत फ़र्क है। तो उसी गाड़ी है, कोई हाथ नहीं लगाना पड़ता, कोई काम की कुछ नहीं। अच्छा, एकदम फ्रेश गाड़ी चलती, एकदम फ्रेश गाड़ी, अच्छी रोड है, अच्छी। तो वहाँ पे तो RTO कुछ होगा ही नहीं? कुछ नहीं, कोई नहीं, हाथ नहीं जाता, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे तो अच्छा आपके रास्ते चलो, कोई कहने वाला नहीं है। अच्छा, अपने हिसाब से गाड़ी चलाओ। वहाँ पे तो ड्यूटी भी कम रहती है? 8 घंटे ड्यूटी है। अच्छा अच्छा, जैसे अंकल कच्चे माल में अपन गाड़ी भरते हैं, जो कच्चा माल आता है फल फ्रूट सब्जी वगैरह, बहुत खतरनाक लाइन है, वो बहुत खतरनाक, वो स्पीड से चलते हैं, बहुत गाड़ी अच्छी चलती है। तो उसमें तो इनाम वगैरह भी मिलता है? इनाम है, किसी में 5,500 है, किसी में 11,000 है। तो इसमें आपको तो नहीं मिलता? हमारे आपके तो बस अपनी जितना भाड़ा मिल गया वही बहुत है। अच्छा चलो ठीक है अंकल, कर लो आप आपका काम, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको। अरे नहीं नहीं अंकल, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।
तो ये था जी काफ़ी बहुत शानदार ट्रक है अंकल का, 2 साल पुराना है, बाकी वैसे तो 6 साल पुराना है, बाकी 2 साल अंकल को लिए हुए। ट्रक पुराना होने से मतलब नहीं है, आज लाख रुपए बचा रहे इसी ट्रक से। दूसरी बात, दुबई जॉब करके आ चुके, पूरा इंडिया घूम लिया, मतलब पूरा भारत तो अपना घूमते ही है अपने ट्रक ड्राइवर। तो देखो अगर वीडियो में कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी ड्राइवर साहब से और पूछूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।